आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हम लोग के सामने प्रश्न दिया गया है कि e की घात 2x का x के सापेक्ष हमें समाकलन करना है। तो यहाँ हम ले लेंगे i बराबर e की घात 2x, जिसका x के सापेक्ष हमें समाकलन करना है। तो दोस्तों यहाँ पे 2x है, इसका हम सीधे सीधे x के सापेक्ष समाकलन नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2x बराबर t हम मान लेंगे, तथा यहाँ पे 2x बराबर t इस समीकरण का x के सापेक्ष हम क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर हमें क्या मिलेगा दोस्तों, हम यहाँ पे लिख सकते हैं ddx 2x बराबर dt बटे dx। इस प्रकार 2x को अवकलन करने पर हमें क्या मिल जाएगा, x का अवकलन करने पर 1 मिलेगा, अतः यहाँ पे 2 आ जाएगा। पक्षांतर करने पर 2dx बराबर dt, इस प्रकार हम लिख सकते हैं dx बराबर 1 बटे 2 dt हम लिख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे यदि हम प्रश्न में मान रखें तो हम यहाँ पे क्या लिख पाएंगे, dx की जगह 1 बटे 2 सामने ले लेंगे और 2x की जगह t, dx की जगह 1 बटे 2 dt, 1 बटे 2 सामने आ गया है तथा यहाँ आ जाएगा dt। दोस्तों चूंकि हम जानते हैं कि e की घात x का यदि हम समाकलन करें x के सापेक्ष तो e की घात x आ जाता है। तो यहाँ से दोस्तों यदि हम e की घात t का x के सापेक्ष t के सापेक्ष समाकलन करें तो हमें क्या मिलेगा, e की घात t मिलेगा। अब दोस्तों यदि यहाँ हम t का मान रखें तो क्या प्राप्त हो जाएगा, e की घात 2x। और दोस्तों चूंकि हम जानते हैं कि यदि हम समाकलन करते हैं तो हमारे पास हल के साथ क्या एक जुड़ता है, एक अचर राशि जुड़ता है। यहाँ पे हम अचर राशि c मान लेते हैं और इसे हम यहाँ जोड़ेंगे। तो अतः हमारा समाकलन का हल हमें क्या ज्ञात हुआ है, 1 बटे 2 e की घात 2x धन c। तो उम्मीद है आप लोग को यह सवाल समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12 से लेकर नीट IIT JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।